welcome to my channel. It's beautiful you. First of all, please subscribe my channel for updates. आज friends मैं आपके साथ share करूँगी एक secret, वो भी dark stain के लिए. आप tension ना लें अगर आपको बिल्कुल भी stain नहीं आती है, क्योंकि इस trick के साथ आपको पक्का stain आ जाएगी. तो friends मैंने आज एक secret recipe ली है. पहले हम कौन बनाएंगे, उसके बाद हम trick use करेंगे. तो उसके लिए आपको वीडियो लास्ट तक देखनी होगी. मुझे उम्मीद है आप लास्ट तक देखेंगे. चलिए शुरू करते हैं. मैंने मेहंदी का पाउडर लिया है. आप कोई भी हाथ के लिए मेहंदी पाउडर ले सकते हैं. उसके अलावा मैंने चाय पत्ती का पानी लिया है, जी हाँ थोड़ा गर्म. उसके अलावा मैंने चीनी ली है. आप शुगर को पाउडर फॉर्म में भी ले सकते हैं, लेकिन आप सादा ही शुगर यूज़ करें तो बेहतर है, क्योंकि आपका चाय पत्ती का पानी गर्म होगा, वो मिक्स हो जाएगा. तो मैंने थोड़ा पॉलीथीन ली है, कुछ टेप्स लिए हैं कोन बनाने के लिए. फ्रेंड्स मैंने एक सिंपल कोन बनाई है, जस्ट सिंपल पॉलीथीन के साथ, जी हाँ रैप करके. देखिए एक सिंपल कोन बनाई है. अब इसके लिए मैं इसका पाउडर बनाने अपना पेस्ट तैयार करूँगी मेहंदी का. उसके लिए मैंने ऐड करना है शुगर. अगर आप पूछेंगे कि कितना क्वांटिटी चाहिए, तो फ्रेंड्स मैं आपको बोलूँगी कि 3 teaspoon क्वांटिटी काफ़ी है एक मेहंदी कोन के लिए शुगर की. उसके अलावा अब हम इसमें ऐड करेंगे हमारा चाय पत्ती का पानी पका हुआ, जो कि हल्का गर्म होना चाहिए, ताकि मेहंदी जो है वो जल्दी फूल जाए. फ्रेंड्स मेहंदी का फूलना बहुत ज़रूरी है, उससे स्टेन्स बहुत अच्छे आते हैं मेहंदी पर. तो अब मैंने मिक्स कर लिया है इसको. फ्रेंड्स कुछ लोगों की हथेली गर्म होती है, आप जानते होंगे, तो उनका स्टेन काफ़ी अच्छा आता है उनके मुकाबले जिनकी हथेली ठंडी रहती है. जी हाँ फ्रेंड्स, जिनकी हथेली थोड़ी ठंडी होती है उनको कलर थोड़ा हल्का आता है, इसीलिए हमें अपने हाथ में हीट लाना चाहिए मेहंदी को स्टेन अच्छा लाने के लिए. उसके अलावा मैंने ऐड किया है 1 teaspoon मेहंदी ऑयल. आप मार्केट से कोई भी ऑयल यूज़ कर सकती हैं. अब इसके अलावा मैंने थोड़ा सा लिया है सरसों का तेल, जो कि ये भी आपके हाथ में हीट डालता है, इससे आपको स्टेन अच्छा आएगा. मैंने 1 teaspoon सरसों का तेल लिया है, मस्टर्ड ऑयल बोलते हैं इसको. अब आप इसमें डालिए, अच्छे से मिक्स कीजिए, और जल्दी से इसमें थोड़ा सा और हम अच्छा सा पेस्ट बनाने के लिए चाय पत्ती का पानी मिला लेते हैं. देखिए हमारा पेस्ट बहुत अच्छा तैयार होगा. फ्रेंड्स आपको मैं बता दूं, मार्केट के मुकाबले घर पर बनाई हुई मेहंदी बहुत अच्छी तैयार होती है. उसके अलावा फ्रेंड्स मेहंदी को स्टेन देने के लिए काफ़ी सीक्रेट्स होते हैं. आप मेहंदी लगाने के बाद अपने हाथ पर नींबू और चीनी का पेस्ट लगा सकते हैं, अपने हाथ पर मेहंदी को रिमूव करके विक्स लगा सकते हैं, और मेहंदी उतारने के बाद लौंग की धुआं भी दे सकते हैं हाथ पर. तो फ्रेंड्स अभी हम आगे अपनी कोन में पेस्ट भरेंगे. देखिए 2 घंटे बाद मेरा पेस्ट रेडी हो गया है फूलकर. अब मैं इस पेस्ट को अपनी मेहंदी कोन में भरूंगी. मैंने थोड़ा पतला पेस्ट बनाया ताकि कोन अच्छे से चले. जी अभी जैसे मैंने अपनी कोन के अंदर ये पेस्ट भर लिया है, उसके बाद मैं इसको अच्छे से फिलअप कर देती हूँ और ऊपर से टेप से सील पैक कर दूँगी, ताकि मेरी मेहंदी बाहर लीक ना हो. हमारी कोन रेडी है. तो हमारी जो कोन रेडी है फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छे से साइज़ में भी आई है और हाथ में अच्छे से आ रही है. देखिए मेरी फिंगर पर स्टेन आ चुका है ऑलरेडी, फिंगर पे मेहंदी का बहुत अच्छा कलर देगी, जो कि 1 सेकंड में इतना दिया है. तो सोचिए आपको मेहंदी लगाने के बाद कितना अच्छा स्टेन आएगा. मेरी मेहंदी कोन परफेक्ट चल रही है, जैसी मुझे चाहिए. तो फ्रेंड्स हमारी कोन रेडी है. अब हम सेकेंड ट्रिक के बारे में बात करेंगे. तो मैं बोलूँगी फ्रेंड्स कि मैंने अपने हाथ पर सेकेंड ट्रिक यूज़ करने के लिए एक हल्का सा लीफ डिज़ाइन दिया है. इट्स अ वेरी कॉमन नॉर्मल, आप इस पर मत जाइएगा. मैं आपको ट्रिक बताना चाहती हूँ, सिर्फ आप वो देखें. तो मैंने टिश्यू पेपर यूज़ किया है. आप वाइट टेप भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि डॉक्टर्स के यहाँ यूज़ होती हैं, आप जानते होंगे. नॉर्मली मेहंदी लगाने के बाद आप वो टेप अपने हाथ पर चिपका लें, या फिर टिश्यू पेपर. जी हाँ वेट मेहंदी पर ही चिपकाना है, और इसको ड्राई करके हाथ पर देखिए, ये आपके हाथ में हीट देगी, मेहंदी डिज़ाइन नहीं बिगड़ेगा, और आप देखें कि आपको स्टेन बहुत अच्छा आएगा. फ्रेंड्स देखिए, ये मैं आपको बता रही हूँ 1 मिनट के अंदर रिजल्ट है. मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी. तो लाइक करना नहीं भूलिएगा, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल फॉर अपडेट्स. थैंक्स फॉर वॉचिंग. बाय बाय.